फैमिली ब्लॉग। सो गाइस हम आ चुके हैं न्यू ब्लॉग के साथ। सो गाइस इस टाइम मैं छत पे हूँ। आज मैंने किया है हेड वॉश और बहुत दिनों बाद मैं आ चुकी हूँ इस वीडियो पे। और जो इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने एक आपको रीज़न बताया था, वो रीज़न वाला ब्लॉग इस ब्लॉग के भी बाद ही आएगा। और मैंने आज हेड वॉश किया था और छत पे हो रहा, बहुत ही प्यारा मौसम। थोड़ी थोड़ी हवा तो चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी। और मैं छत पर आई हूँ, मौसम बहुत अच्छा रहा था। मैंने सोचा छत पे जाके स्टार्ट करते हैं। और ये जो हल्ला मच रहा है आपको पता ही होगा किसका होगा, ये बच्चा पार्टी से मिलवाती हूँ आपको। चलो कर रही है गेरी मेरी बहन से हेलो। हेलो गाइस। हेलो आतिफ है, बुलाओ। ले रही हूँ सिनेमैटिक शॉट्स। और गाइस सॉरी फॉर डिलेंस, अब क्या कर सकते हैं, रीज़न है जो कि हम बता नहीं सकते हैं। बट अरे आगे आगे आपको पता लग जाएगा, अभी तो थोड़ी स्टार्टिंग ही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बट अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी स्टार्टिंग है। तो फिर हम आपको बता देंगे, वो व्लॉग इसके बाद आएगा, देख लेना, कोई चक्कर नहीं। नॉर्मल व्लॉग के साथ देखो, नॉर्मल ब्लॉग की तरह देखो। सॉरी और प्लीज़ व्यूअर्स पर जाओ, ब्लॉग्स आने वाले हैं। बस माइंड में सोचे जा रहे हैं कि किस कंटेंट पे बनाएं। और अभी हाल फिलहाल मेरे पास प्रियांशी, ये रही प्रियांशी को मैं ऊपर ले आई हूँ, क्योंकि वो जो बच्चा पार्टी थी ना, वो ना सब अपने घरों से ना छतरियाँ ला रहे हैं। ये भी ले आई, मैं भी ले आई, नहीं मैं नहीं लेके, मैं कहाँ खेल रही हूँ मैं ये भी लेके आ गई, वर्षा भी लेके आ गई, आतिफ भी लेके आ गया। उसे मैं हेलो नहीं कराई क्योंकि वो उसका छाता मिल नहीं रहा था, तो बड़े ढूंढने में लगा हुआ था, इसलिए वो हेलो नहीं कर पाया। और ये छाता लेके इधर से इधर घूम रहे हैं, बड़ा मस्त आ रहे हैं हवाओं में, ऐसे हवा से छाता इधर जा रहा है इधर। एक ने तो तोड़ भी दिया, और ना वो सब नीचे छाते में लगे पड़े, और मैं इसको ना ऊपर वाली छत पर ले आई, ये रही इसको मन करती थी ऊपर चले। अब वो इसे ढूंढेंगे थोड़ी देर बाद, देखते हैं फिर क्या होता है। ये लोग उसे ढूंढेंगे पक्का से, है ढूंढेंगे वो तुझे, या छोड़ेंगे कई प्लान से, या ढूंढेंगे ढूंढेंगे क्या, नहीं ढूंढेंगे इसको, लगता है नहीं ढूंढेंगे। देखते बेचारी चल रही है। गाइस देखो बंदरों का तांडव दिखाऊं, देखो देखो गाइस बंदरों का तांडव कैसे लटक रहे हैं पागलों की तरह। हवा चल रही है ना, मज़े आ रहे होंगे इनके भी। ये रे मौसम तो A1 हो रहा है, A1। मज़ा आ गया, चल रही है ना नेक्स्ट लेवल। बैठ के ना मैं से कुछ कुछ दिखा रही हूँ फ़ोन में, तो मतलब ऐसे हम देख रहे हैं और एडिटिंग भी कर रही हूँ मैं थोड़ी सी, कुछ डालना है मुझे। एंड बादल ऐसे हो रहे हैं, मन कर रहा है मैं इसको पकड़ के खा जाऊँ, बादलों को इतने अच्छे हो रहे हैं। और फिर से एक फॉर अनबिलीवेबल चीज़ दिखाऊँ फिर से, मेरे लिए तो वो अनबिलीवेबल ही है। अभी देखना, ये मैंने एक फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था, ये देखो अभी टाइम क्या हो रहा है भाई, ये चांद अभी से ही, वाओ अभी से ही यहीं पर है। ये रहा भैया, फिर से बोल रही हूँ तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। अभी कहाँ टाइम हुआ तुम्हारा, पता नहीं कैसे आ जाता, दिख रहा क्लियर पूरा। खैर आपने भी ऐसा देखा तो कमेंट करना ज़रा, बताना मुझे भी। वैसे मौसम तो हाल फिलहाल फैंटास्टिक हो रहा है, A1। सो गाइज मैंने शूट तो किया था कि वो लोग कैसे प्रांश को ढूंढते हैं, पर उन्होंने ढूंढ लिया था। सारी क्लिप्स उल्टी पुल्टी हो गई थी, सीधी कर रही थी, सीधी ही नहीं हो रही थी, पर उन्होंने इसे ढूंढ लिया था इसी क्लिप में। दिखते रहते हैं हर 15 मिनट के बाद, तीनों एक साथ हो चुके हैं, उन्होंने ढूंढ लिया है। हेलो कहो, हेलो कहो आतिफ। इन दोस्त मिल चुके और खेल रहे हैं, खेलने देते हैं। मौसम एज यूजल बना हुआ है फैंटास्टिक, और शायद से ये टीचर हैं। वर्षा नैनो टेप कैसी लगी, अच्छी लगी, अच्छी थी ना, बट जो भी था हमसे नहीं फूला, नहीं फूला, पानी का फूल गया, पर इनहेल वाला जो था वो नहीं फूला,
ऑक्सीजन का नहीं भूला निकालना कलर अभी तो लिखना है काम तो दे दो ये स्टूडेंट्स है स्टूडेंट नंबर वन स्टूडेंट नंबर टू और ये टीचर सो इनकी पढ़ाई देखो गाइस क्या था जब मैं सीढ़ियों पे बैठा था ना सब कुछ मेरे दिमाग में आ गया प्यासी मुझे पता चल गया प्यासी ऊपर ही थी मैं ऊपर आ गया झूठ पता है मुझको सब अच्छा मैं तो ना बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर हूँ ये कौन सा प्लेयर होता है मैं तो ना बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर हूँ वाओ आई हैविंग एडिटिंग इशू व्हाट हैव टू डू I had an editing issue. What have to do? So guys, dirty room. को good room बनाते हैं, clean room बनाते हैं, चलते हैं, clean करते हैं. Clean हो चुका है और सेलो. अरे यार, so guys अभी मैं लगवा रही हूँ सिर में. क्या लगवा रही हूँ दिखाना जरा. ये है guys spray. जो कि मैंने बताया था कि मेरे को एलोपेशिया हो गया था उसके लिए तो अभी कंटिन्यू है एलोपेशिया मैंने वैसे इंजेक्शन वगैरह सब कंटिन्यू ही रखे थे पर बीच में वगैरह मेरी मेडिसिन छूट गई थी किसी रीजंस की वजह से और मैं वहाँ पे जा भी नहीं पाई थी जैसे वो डेट वगैरह देते हैं ना कि इस डेट को आना है तो मैं जा नहीं पाई थी इस वजह से वो मुझे और बढ़ गया और कई जगह बड़े बड़े तो नहीं छोटे छोटे कई जगह हो गए पैचेस इसलिए मेरे को नई दवाइयाँ मिली है वही मैं कंज्यूम कर रही हूँ और आज मैंने हेड वॉश भी किया था हर एक दिन मुझे छोड़ के हेड वॉश करना है और अभी मैं स्प्रे लगवा रही हूँ मेडिसिन डेली एक चलती है मेरी वो वगैरह मैंने कंज्यूम कर लिया है नाइट में मेरे को ट्यूब लगानी है एंड डे में मेरे को ये लगाना है स्प्रे पर हम डे नहीं चल रहा है टाइम जो है वो कितना हो गया है टाइम कितना हो गया मम्मा 8 बजने वाले हैं बिकॉज वी फॉरगेट इस वजह से लिया है मैंने वही जो सीरम था वो मैंने लगवा लिया है एंड मुझे थोड़ी नींद आ रही है समझ नहीं आ रहा क्या करें तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से बाल सुल जाते हैं एंड कुछ सोचते हैं क्या करें मुझे कुछ खुराफाती से करने का मन कर रहा है कोई अच्छी सी ना मतलब थोड़ा पाती तो नहीं कोई अच्छी सी वीडियो ना मैं बना के डाल दूँ यूट्यूब में मेरा ये बन कर रहा है तब देखते हैं ये मन मेरा पूरा होता है कि नहीं पहले बाल चल जाते शिकंजी रहेंगे गर्मियों में तो ऑल टाइम फेवरेट नेक्स्ट डे और अभी टाइम कितना हो रहा है 12:30 और गुड आफ्टरनून और अभी मौसम देखो कितना डेंजर हो रहा है वर्षा आई है गाय को रोटी डालने मौसम देखो मतलब काली घटा हवा बारिश शुरू दोनों को दे एक एक वो भी आ गई मैडम हवा चल रही है रुक जाएगी है ना गाय के लिए रोटी लेके खड़ी थी यदि वैसे ही ना बंदर आ गया और उसने उसके हाथ में रोटी देखी वो घुराने लग गया देखो नजारा पीछे का तो देख लिया Oh
बारिश हो रही है बट इतनी तेज नहीं हो रही। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अरमान मलिक व्लॉग्स, होते हैं राइस चावल बने हैं, खाते हैं। चलो चिकन चावल खा रहे थे और मैंने दिखाते हुए बोला कि हम राइस चावल खा रहे हैं, राइस चावल बहुत। चलो खा के मिलते हैं। मैंने चावल वगैरह खा लिए हैं और अभी मैं बिग बॉस देख रही हूँ 16, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। और गाइस मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था सम रीज़न, कोई एक ओला वाला था वो ना ठोक कर चला गया था। एंड पहले बहुत हफ्ते हो गए इस बात को, पर चोट है थोड़ी, वो फील बेटर है। मतलब एक बहुत ज़्यादा था, पूरी स्किन दिख रही थी नीज की, पर तब तो काफ़ी बेटर है, वो ड्राई होने लग गया। तो आज जो मैं शॉर्ट्स डालूँगी उसके अंदर उसमें वो क्लियरली दिखा है, तो आप वो शॉर्ट्स देख रहे हैं क्योंकि मैं अभी डालूँगी, मैं रिकॉर्ड कर रखा है। और फिर मैं उसे आज डालूँगी मेरा मिनी ब्लॉग, फर्स्ट मिनी ब्लॉग, सो उसमें देखना। बट अब तो काफ़ी बेटर है और उन्हें आज बुलाया गया था मेडिसिन ट्यूब वगैरह कुछ देसी, उसके भी हम अप्लाई कर रहे हैं। सो आज जाना था, डॉक्टर ने बुलाया था पर आज नहीं जा पाया क्योंकि बारिश। सब शॉर्ट्स में देखना कि मेरे फादर को कैसे लगे, बट वो चल फिर पा रहे हैं पर मना किया है, पर इंसान कब तक बेड पे पड़ा रहेगा, इसलिए पापा चल रहे हैं अच्छे से। प्रॉब्लम है, अंदर दर्द हो रहा है भाई, जिससे होता है उसे फील होता है दर्द, पर भाँस से बहुत ज़्यादा अजीब, आप देख नहीं पाओगे, मैं खुद नहीं देख पाती, ऐसे अजीब सा होता है, अभी ड्राई हो गया ऐसा लग रहा है जैसे जल जाता ना, लिटरली वैसा लग रहा है। तो आप शॉर्ट्स देखना उसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा। सो अब मैं बिग बॉस देखती हूँ, अब तो बिग बॉस देखती हूँ, थोड़े मिलते हैं। जो एडिटिंग करने लगी थी और कितना अच्छा लग रहा है, अमेजिंग वॉलपेपर है ये, बहुत ही बढ़िया लग रहा है वाला, कैसे ट्री बना हुआ है, फैंटास्टिक। चलते हैं छत पे, बारिश स्टॉप हो चुकी थी, बिग बॉस भी देख लिया, काफ़ी सारे एपिसोड्स देख लिए, चल के ऊपर का नज़ारा देखते हैं कैसा मौसम हो रहा है। ठंड वाला, मुझे ठंड वाला ही लग रहा है क्योंकि नीचे भी ठंडी लग रही थी। और ये डेजी तो चली गई लेकिन ये लोग यहीं हैं, इनको इस वाले को ना बड़ी मम्मी ने पकड़ा था, इसको ना छत पे से देखा था, बड़ी मम्मी नीचे भाग कर आई और उन्होंने इसको पकड़ लिया, फिर उसकी वजह से हमें दो खाने पड़े क्योंकि ये अकेला नहीं रह पाता। कलर चेंज हो गए हैं, कैसे येलो येलोइश हो गए, थोड़े थोड़े कहीं 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 से ऐसे हो गए येलोइश येलोइश, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है मौसम भी। झक्कास माना माना डॉगी है जो कि थोड़ा सा पागल है दिमाग से, और ये इसके बहुत सारे बॉडी पे हेयर रहते हैं, ये किसी को भी कभी भी काट लेता है, बट हमें तो थोड़ा जानने लग गया इसलिए हम भी अलर्ट ही रहते हैं, इतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते इसके साथ क्योंकि बड़ा थोड़ा सा दिमाग से ना ऐसे ही है ये। और इसकी ना कटिंग करा दी है, जिनका ये डॉगी है ना उन्होंने इसकी कटिंग करा दी है शेर जैसी, तो इसको देख के हंसी आ रही है। तो उनकी जो मालकिन है ना वो इसको बांध के ना, इसके ना यहाँ पे चोट लग गई तो वहाँ पे स्प्रे लगा रही ना, स्प्रे लगा रही तो भौंक रहा है पागलों की तरह, तो वर्षा मेरे को वही बुलाई कि आज देखो कैसे चिल्ला रहा है। इसका नाम है, इसका नाम है क्या नाम है इसका असली, कटप्पा नहीं है, कीवी नाम है इसका,
हाँ शायद, हाँ मुझे पता है, हाँ कीवी नाम है इसका, कीवी नाम है, बट इसको प्यार से झबला भी बुलाते हैं, कटप्पा भी बुलाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो फेमस है और जो मुंह पे नाम रहता है वो कटप्पा ही रहता है, पता नहीं क्यों नाम पड़ गया कटप्पा। कौन सी बर्ड है, बहुत ही अच्छी है, अरे कौन चली गई, कौन मुझे दिख ही नहीं रही, हरी 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 दिख गई, हिला मत, ये रही गाइस कैसी है, चली गई। बहुत तरह की बर्ड्स आती है, सबसे ज्यादा तो उस पर आती है, अलग अलग तरह की, वो जिसकी चोंच ऐसी होती है, ऐसी बर्ड्स बहुत तरह की, बहुत तरह की बर्ड्स है। और गाइस यहाँ इस पार्क में जितने भी डॉगीज हैं एरिया, इस पार्क में जितने भी वो हैं डॉगीज, सब वर्षा ने फीड किए हैं, मीन्स उसने उसको दूध पिलाया है घर से लेकर, और उसने हकीकत में कहा जाए तो इसने उन्हें पाला है, पाला, वेट वेट वेट, इसने उन्हें पाला है एंड वो बहुत बड़े हो गए हैं। एक उनमें से ये भी है जो कि बड़ा हो गया है, जो स्कूटी जो भैया थे उनके बगल में था, है ना, ये देखो एक कटप्पा भोंक रहा है इसने ही पाले हैं। और अभी फिलहाल एक जो डॉगी, फीमेल डॉगी थी, उनके बेबीज हैं, वो दिख नहीं रहे, उन्होंने अभी अभी कल परसों ही बेबीज दिए, ये जो कार्ड आपको खड़े हुए दिख रहे हैं ना, इन्हीं के पीछे हैं उनके बेबीज, तो वो तो भी दिखा, उनको फीड करा नहीं सकते हैं। उनको तो अभी करा नहीं सकते बिकॉज उनकी मम्मी थोड़ी सी वाली है, काम कर देगी वो, क्योंकि ना इसलिए अभी दिखाई नहीं, दिखा दिखनी हम जा नहीं रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि डेंजरस हो सकता है, और वर्षा का मन है बट हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपको पता है डेजी घर से क्यों गई है, ड्यू टू यही रीज़न है उसका, उसको इन्फेक्शन हो गया था, बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे हम इसे। चली हवा चली, अरे हवा चली, हवा चली उड़, हवा चली, हवा चली, बढ़िया, बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है, ठीक है। प्रियांशी हम छत पे थे वर्षा और मोर ये रही कूद रही हो पागलों की तरह, हेलो बोल, हेलो, आ जाओ ऊपर, हाँ आ जा, हेलो गाइस, हेलो 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 कर दे, हेलो 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 कर, हेलो हेलो कर, ऐसे कर, ऐसे कर, हाय हाय, बहुत खिलस्ती है वो, कहता है क्या बोलते हैं इसका, प्रियांशी आ गई आते हमेशा कहता है, मैं कोई भी उससे पूछ लेना कि सबसे ज़्यादा कौन सी दीदी पसंद है, प्रियांशी दीदी, प्रियांशी या वर्षा या कनक, तो वो तो यही बोलता है कनक दीदी पसंद है, तो उसने यही बोला मैं वर्षा दीदी को हेलो नहीं करूँगा, कनक दीदी को हेलो कर दूँगा, यार ये किलस्ती है। अच्छा तू नहीं पढ़ेगा मेरे पास, वो जब ये टीचर बन के उसे पढ़ाती है वो कहता कनक दीदी आप बन जाओ ना, ये आती सुन लेती वो कहता नहीं 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 कनक दीदी बता दो, मैं नहीं कह रहा था, आ जा इसको बुला ले, बुला ले इसको, ठंडा या गर्म है, ठंडा। हाँ वर्षा मेरे पास लाई है मैंगो और ये पहली बार मुझे खिला रही है, बाय। तो गाइस मैं किसी रीज़न की वजह से एंड नहीं कर पाई थी और आगे शूट भी नहीं कर पाई थी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, बाय। I'm feeling high.